हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डिस्कस किया था। शीट में भी कुछ डाउट्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले दो डेफिनेशंस और है, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और रेजोनेंस एनर्जी। तो पहले मैं ले रहा हूं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हम सबको पता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इसमें जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए पहले, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन one equivalent of an acid is mixed with one equivalent base. Let's say ये कोई acid है HA और इसको हम mix कर रहे हैं एक और base के साथ BOH। Definition में मैंने word use किया one equivalent, हो सकता है आप में से कुछ को वो टर्म नहीं पता, बट रिडॉक्स एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में ये सब हम डिस्कस करते हैं राइट नाउ। फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर जिनको नहीं पता उनके लिए एक फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, हम कहते हैं एन फैक्टर, एक टर्म बोली जाती है एन फैक्टर, जो कि एसिड और बेस के केस में, एसिड और बेस के केस में ये जो एन फैक्टर होता है वो या तो एसिडिटी होता है या बेसिसिटी, एसिडिटी और बेसिसिटी, इन दोनों में से कोई एक। तो राइट नाउ हम कह सकते हैं एच ए और बी ओ एच, इसकी तो बेसिसिटी वन है, इसकी एसिडिटी भी वन है, तो यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो राइट नाउ अगर मैं एग्जांपल ये यूज कर रहा हूं तो इसका वन इक्विवेलेंट, इसका वन इक्विवेलेंट, मतलब इसका भी वन मोल और इसका भी वन मोल ही है। तो अगर आप इसका वन मोल और इसके वन मोल को मिक्स कर रहे हो तो हम कहते हैं मिक्सअप करने पर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और मैं आपको बता दूं इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव होता है राइट। तो डेफिनेशन पर फिर से मैं आ रहा हूं, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इसमें जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये हमेशा नेगेटिव होती है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है, वो हर जगह सेम नहीं होगा, मैग्नीट्यूड रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन depends on first one strength of acid base pair being titrated, being mixed, acid और base का pair जिसको mix किया जा रहा है, एसिड और बेस का पेयर जिसे मिक्स किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और सेकंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस यूज्ड, जो एसिड और बेस इनके मोल्स फिक्स है, मोल्स वन वन है,
लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 mA, 2 mA, 3 mA, 0.1 mA, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके कारण जो वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन के कारण जो चेंज आता है वो बहुत कम आता है। तो मोस्टली हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, मोस्टली इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो मेनली जो वेरिएशन हम कंसिडर करते हैं वो किसके कारण कंसिडर करते हैं, स्ट्रेंथ की, एसिड वीक है या एसिड स्ट्रॉन्ग है, इस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पर बहुत कम डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो पहले यहां पर एक लाइन लिखिए, वेरिएशन ड्यू टू सेकंड फैक्टर is quite negligible, and is quite negligible and can be neglected या इसको ऐसे लिखे थोड़ा negligible word के बजाय, वापस से मैं बोल रहा हूं, variation due to second factor is very small and can be neglected if enthalpy of dilution data are not given. और ये एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का डेटा कभी गिवन होगा ही नहीं, तो मतलब आप हमेशा ही नेगलेक्ट कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पर ये एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का डेटा भी मैं आपको दूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको यूज किया जाता है, बट मोस्ट किसी भी बुक में आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि वहां एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का डेटा गिवन होगा। तो वहां पर आप हमेशा ही इस सेकेंड फैक्टर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, केवल किसके कारण वेरिएशन कंसिडर करना है हमें, फर्स्ट के कारण। चलिए अब फर्स्ट के कारण कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। तो दो केसेस यहां पर अब हम बना रहे हैं, केस वन फर्स्ट फैक्टर के कारण ही वेरिएशन को मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो इफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट एग्जाम्पल इसका लेट से HCl और NaOH को आपने मिक्स किया, नॉर्मली रिएक्शन जो हम लिखते हैं वो यही NaCl प्लस H2O लिक्विड, ये रिएक्शन हम लिख देते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको कहूंगा कि जब आप HCl और NaOH के सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो नॉर्मली हम ये बोलते हैं NaCl बनता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि Na प्लस और Cl आयन कंबाइन होकर NaCl बना रहा है? नहीं, पानी में आप NaCl डालते हो तो ये और आयंस में टूट जाता है। तो यहां तो HCl में Cl आयन ऑलरेडी अलग है, H प्लस अलग है, Na प्लस आयन और OH आयन ये सब अलग अलग है, बिकॉज ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या हम इसको मिक्स करेंगे तो ये Na प्लस और Cl आयन कंबाइन होकर और NaCl बनाएंगे? नहीं बनाते हैं। यहां पर कौन इसको अलग अलग लिखे, इसीलिए हमने इसको एक साथ लिख दिया है। सही में तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखना चाहिए, H प्लस एक्वस प्लस Cl आयन एक्वस, HCl की जगह इनको अलग अलग लिखना चाहिए। सिमिलरली Na प्लस एक्वस OH आयन एक्वस कन्वर्टिंग इनटू Na प्लस एक्वस, कोई रिएक्शन नहीं Na प्लस और Cl आयन की, ये अलग अलग ही हमें लिखना चाहिए। बट अलग अलग कौन लिखे, हम कंबाइन करके लिख देते हैं। हाँ, लेकिन यहां पर ये वाटर जो है H प्लस और OH आयन कंबाइन होकर ये क्या बना रहे, वाटर बना रहे। तो यहां पर सही में जो रिएक्शन हो रही है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, सही में जो रिएक्शन हो रही है
वो क्या हो रही है, आप चाहो तो इन्हें कैंसिल आउट कर सकते हो। रिएक्शन यहां पर केवल क्या हो रही है, एच प्लस और ओ एच आयन रिएक्ट कर रहे हैं, एक्वस एक्वस, और ये क्या बना रहे हैं, एच टू। मतलब आप ये कह सकते हो कि एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, यानी एच प्लस और ओ एच आयन रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब एच प्लस और ओ एच आयन रिएक्ट कर रहे हैं। और जब भी वन मोल एच प्लस आयन वन मोल ओ एच आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर एक मोल एच प्लस आयन और एक मोल ओ एच आयन रिएक्ट करता है, तो इसमें जो एंथैल्पी में चेंज होता है वो होता है -13.6 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, यानी जब भी वन मोल एच प्लस वन मोल ओ एच आयन के साथ रिएक्ट करेगा, नियरली 13.6 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होती है। यानी जब भी एक मोल एच सी एल और एक मोल एन ए ओ एच रिएक्ट करेगा, हीट कितनी इवॉल्व होगी, 13.6 किलो कैलोरी। इसी को हम क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसी को आप कह सकते हो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज एच सी एल और एन ए ओच रिएक्ट कर रहा है, मतलब एच प्लस और ओ एच आयन रिएक्ट कर रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो यहां पर जो हीट इवॉल्व होती है, दैट इज 13.6 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट राइट नाउ, तो ठीक है, पर इक्विवेलेंट बोलो या पर मोल बोलो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसका इन फैक्टर भी वन है और इसका इन फैक्टर भी वन ही है। हाँ, लेकिन यहां पर मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, दो अभी मैंने जस्ट बोला है कि सेकंड फैक्टर के वेरिएशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, सेकंड फैक्टर के वेरिएशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये एग्जैक्टली इतनी हीट कब इवॉल्व होती है, एग्जैक्टली इतनी हीट कब इवॉल्व होगी, जब ये जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो ना एच सी एल और एन ए ओ एच का, ये इन्फानाइटली डाइल्यूटेड होना चाहिए। क्यों, वो अभी मैं समझाता हूं। तो यहां पर पहले एक लाइन लिखो, मेजर्ड एट measured at infinite dilution, क्यों, मतलब समझाता हूं इसका। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टर्म समझाई थी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की, अगर आप किसी सॉल्यूशन में और पानी डाल रहे हो, कंसेंट्रेशन कम हो रही, तो उसमें भी हीट इवॉल्व होती है। तो सोचिए HCl का सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 1 m है, इसका भी सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 1 m है, 1 m 1 m, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर लिया, और आपने उन दोनों को मिक्स किया, 1-1 लीटर दोनों का मिक्स कर दिया। अब क्या होगा, डेफिनेटली वहां पर 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH आयन रिएक्ट करके H2O बनाएंगे, इसमें एंथैल्पी में चेंज होगा, लेकिन उसके अलावा और भी चेंजेस हो रहे हैं। और चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो जो Cl आयन था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले 1 m थी, अब वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, तो अब Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाएगी, उसकी कोई रिएक्शन नहीं हुई है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, उसका क्या हो गया, डाइल्यूशन हो गया, उसमें भी तो हीट इवॉल्व होगी। Na प्लस का भी डाइल्यूशन हो रहा है, उसमें भी हीट इवॉल्व होगी, तो जो हीट इवॉल्व होगी फिर वो 13.6 किलो कैलोरी से ज्यादा होगी, 13.6 किलो कैलोरी से ज्यादा होगी, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m और इसकी 1 m, क्योंकि इतनी हीट कब इवॉल्व होती, जब 1 मोल H प्लस और 1 मोल OH आयन रिएक्ट करते हैं, जबकि अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m और इसकी 1 m है, तो हीट और भी ज्यादा इवॉल्व होगी, तो जो टोटल हीट इवॉल्व होगी फिर तो 13.6 से ज्यादा होगी। लेकिन अगर यही दोनों सॉल्यूशन इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड है, अगर यही दोनों सॉल्यूशन इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड है, तो फिर हीट एग्जैक्टली 13.6 ही होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड है, ये भी ऑलरेडी इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड है, अब अगर आप इनको मिक्स भी कर दोगे तो और कोई डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, ऑलरेडी उनका अच्छा खासा सॉल्वेशन हो चुका है, तो अब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के कारण कोई हीट इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जितना भी उनका सॉल्वेशन होना था वो हो चुका है। तो अगर ये इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड है, तो मिक्सअप करने पर डाइल्यूशन के कारण कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, तो जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा वो केवल H प्लस और OH आयन की रिएक्शन के कारण ही होगा, इसीलिए फिर वो हीट एंथैल्पी चेंज फिक्स होगी 13.6 विथ नेगेटिव साइन। और इसी से आप कह सकते हो कि अब HCl की जगह अगर मैं HNO3 ले लूं, तो चाहे HCl हो चाहे HNO3 हो, हीट इवॉल्व तो इतनी ही होगी,
बिकॉज एनओ थ्री की तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन किसकी हो रही है, एच प्लस और ओ एच एन की। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस कोई और हो, यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड कोई और हो, हीट इवॉल्व हमेशा इतनी होगी -13.6 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, राइट। नाउ ये हुआ फर्स्ट पार्ट जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा मैंने हल्का सा आपको ये जरूर समझाया कि हाँ अगर वो इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड नहीं होंगे तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में भी उसके कारण भी एंथैल्पी में चेंज होगा, वो भी हमें फिर कंसिडर करना होगा। खैर अभी हम उसकी बात कर नहीं रहे, बट कंसिडर करना पड़ेगा अगर वो इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड नहीं है। बट क्वेश्चन में अगर एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का डेटा नहीं दे रखा है तो फिर आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते। नाउ सेकेंड पार्ट पर आते हैं, सेकेंड पार्ट पर अब हम आ रहे हैं। केस टू, इफ वन ऑफ देम इज वीक, दोनों में से कोई एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं एसिटिक एसिड, सबको पता है एक वीक एसिड है, प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू CS3 CONa प्लस H2 प्लस H2O। फिर से हमने क्या किया, इसके वन मोल और इसके साथ इसके भी वन मोल को मिक्स कर दिया, दोनों के वन वन मोल को मिक्स किया, हीट इवॉल्व कितनी होगी, क्या वही -13.6, क्या वही -13.6 या इससे कम, बताओ। यस, मोस्टली जो मुझे रेस्पॉन्स मिलते हैं वो यही आते हैं कि सर 13.6 से कम। जब मैं पूछता हूं क्यों तो आंसर आता है कि ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है और ये पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, यानी यहां पर वन मोल हमने ऐड किया लेकिन वो वन मोल पूरा रिएक्ट नहीं करेगा, और वन मोल पूरा रिएक्ट नहीं करेगा तो जो हीट इवॉल्व होगी वो 13.6 से कम है। ये एक्सप्लेनेशन आता है, एक्सप्लेनेशन सही भी लगता है सही देखा जाए तो इसको, लेकिन क्या लगता है 13.6 से कम, आंसर क्या है वो अभी मैं बताऊंगा, 13.6 से कम या 13.6, उससे पहले पहले क्वेश्चन पुट करूंगा फिर इसका आंसर मैं दूंगा कि 13.6 या उससे कम। पहला, उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये कि ये जो एसिटिक एसिड है जिसे हम कह रहे हैं ये एक वीक एसिड है, जिसे हम कह रहे हैं वीक एसिड है, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये इट इज ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए वीक एसिड, क्या ये हमेशा वीक एसिड की तरह बिहेव करता है या ये कभी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह भी करता है, कब, कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पर आपको लगे कि हाँ सर यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर। सोचो थोड़ा कि कब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये तो मुझे पता है, सबको पता है कि हाँ ये हमेशा वीक नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग की तरह भी बिहेव करता है, बट एग्जांपल कौन सा है, एग्जांपल बताइए कि कहाँ ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करे। चलिए मैं बताता हूं, मुझे लगता है आपको भी कुछ ना कुछ एग्जांपल जरूर पता होंगे, बट पहले मैं आपको बता दूं ये एसिटिक एसिड को जो हमने कहा ना वीक एसिड, किसी भी एसिड को जब आप बोलते हो वीक है या स्ट्रोंग है, तो मैं आपको बता दूं ये हम तब बोलते हैं जब हम उस एसिड या बेस को पानी में डाल रहे हैं, जब हम उस एसिड या बेस को, यहां से अभी इसको हटा देता हूं, यानी ये जो एसिटिक एसिड वीक एसिड है ये स्टेटमेंट जो है जो हम यूज करते हैं ये तब एप्लीकेबल है जब आप एसिटिक एसिड को पानी में मिक्स कर, इस तरह से रिएक्शन लिखी जाती है,
कोई भी वीक एसिड या स्ट्रोंग, जब भी आप किसी एसिड या बेस के बारे में बोलते हो कि ये वीक है या स्ट्रोंग है, मतलब आप उसे पानी में मिक्स कर रहे हो, या तो पानी को H प्लस आयन दे रहा होगा या पानी से H प्लस आयन ले रहा होगा। एसिड है तो दे रहा होगा, बेस है तो ले रहा होगा, ये रिएक्शन वहां पर होती है। तो यस, इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इस रिएक्शन में एसिटिक एसिड वीक एसिड है। अब हमारी आदत क्या होती है कि इस रिएक्शन में वीक है तो हम इसे जनरलाइज कर देते हैं, मतलब एसिटिक एसिड जहां पर भी यूज होगा वो वीक एसिड होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, इसका डिटेल डिस्कशन हम आयनिक इक्विलिब्रियम में करेंगे, इसका डिटेल डिस्कशन जो है अभी नहीं कर सकता, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में करेंगे जहां पर मैं कुछ डेटा भी यूज करूंगा। बस अभी थोड़ा सा एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि हाँ, अगर कोई भी एसिड या बेस, अगर एक एसिड और बेस को अगर आप मिक्स कर रहे हो, ये अलग रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है। अगर किसी भी एसिड या बेस को आप मिक्स कर रहे हो, अगर वो वीक भी है तो भी यहाँ पर ये स्ट्रोंग की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर ये एसिटिक एसिड वीक नहीं, ये स्ट्रोंग है। कैसे, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। यस, एसिटिक एसिड की एच प्लस आयन, एच प्लस आयन देने की टेंडेंसी HCl की तरह नहीं है, HCl की तरह नहीं है। तो अगर आप पानी के साथ इसको मिक्स कर रहे हो तो इसकी H प्लस आयन लूज करने की इतनी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है, तो ये अपना 100% H प्लस आयन लूज नहीं करता है, 100% H प्लस आयन लूज नहीं करता है। लेकिन यहां पर हम एसिटिक एसिड को मिक्स किसके साथ कर रहे हैं, NaOH के साथ। NaOH हमें पता है 100% आयनाइज हो जाता है Na प्लस और OH आयन में, तो यहां पर ये जो OH आयन है वो इसमें से H प्लस आयन को निकाल लेते हैं। ये जो एक मोल है OH आयन है वो यहां पर जो एक मोल H प्लस आयन है उसको निकाल लेते हैं। इसको आप ऐसे शायद समझ सकते हो, इसको मैं यूं बताऊं, एसिटिक एसिड तो वीक है लेकिन इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में इसकी H प्लस आयन देने की जो टेंडेंसी है एसिटिक एसिड की वो कम है, लेकिन राइट नाउ इसके साथ में क्या है NaOH, वो इसमें से H प्लस आयन निकाल लेगा। ये NaOH इसे क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कंपनी मैटर्स नहीं, आप किसके साथ हो वो मैटर करता है। हाँ, लेकिन इसमें एक पॉइंट जरूर है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है इस वीक को स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। ये भी इस पे डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग कितना स्ट्रॉन्ग है और वीक कितना वीक है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग को वीक बना दे। हाँ, लेकिन उसके लिए इस एसिड को बहुत ज्यादा वीक होना पड़ेगा। तो अभी उस डायरेक्शन में नहीं सोचो, अभी उस डायरेक्शन में हम नहीं सोच रहे। राइट नाउ मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, यहाँ पर कोई भी वीक एसिड हो अगर उसके साथ में कोई एसिड या बेस है तो ये एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये 100% रिएक्ट करेंगे, यानी इसका एक मोल और इसका एक मोल रिएक्ट करेगा। हाँ, क्या लगता है आपको, यहाँ पर ये CH3COOH सॉल्ट बनेगा? नहीं, ये तो आयंस की फॉर्म में ही रहेगा। हाँ, लेकिन एक मोल H प्लस और एक मोल OH आयन रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। राइट, तो कंक्लूजन जो अभी मैं दे रहा हूँ, आप जो सोचते हो एसिटिक एसिड वीक एसिड है वो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग है, यहाँ रिएक्शन अलग है। अगर एक एसिड और एक बेस को मिक्स कर रहे हो, चाहे दोनों ही वीक हो लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और फिर ये दोनों ही किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह, यानी इसका एक मोल और इसका एक मोल पूरा रिएक्ट करेगा। तो फिर इसका मतलब हीट इवॉल्व तो 13.6 होगा, नहीं, हीट इवॉल्व 13.6 नहीं होगा। ये क्या कंफ्यूजन है भाई, जब वन मोल H प्लस और वन मोल OH आयन रिएक्ट कर रहा है फिर तो हीट इवॉल्व 13.6 होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? मैं बताता हूं क्यों नहीं, क्योंकि आंसर तो 13.6 से कम है, ये सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं पता होता है, और गलत एक्सप्लेनेशन पता होता है, यहां प्रॉब्लम है। क्यों 13.6 से कम है, अब वो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनना अच्छी तरह से। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, मिक्सअप करने से पहले तो एसिटिक एसिड को आपने केवल किसके साथ डाला, वाटर के साथ। मिक्सअप करने से पहले इसके साथ क्या, वाटर। तो क्या वहां पर ये 100% आयोनाइज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है। मिक्सअप करने से पहले ये 100% आयोनाइज नहीं था। हाँ, मिक्सअप करने से पहले ये 100% आयोनाइज था, ये 100% आयोनाइज था क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मिक्सअप करने से पहले यहां पर Na प्लस अलग और OH आयन अलग, अलग अलग थे। लेकिन यहां पर मिक्सअप करने से पहले ये अनआयोनाइज्ड था,
कुछ पार्ट होगा आयोनाइज्ड बट पूरा आयोनाइज्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अब आपने इसको इसके साथ मिक्स किया, ये OH आयन इसमें से H+ आयन को तोड़ लेंगे, OH आयन H+ आयन को तोड़ लेंगे, लेकिन मिक्सअप करने के बाद तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर एसिटिक एसिड को मिक्सअप करने के बाद ये H+ आयन यहां से अलग करने होंगे, H+ आयन को तोड़ना होगा और उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम बोला जाता है डेल्टा H आयोनाइजेशन। जबकि NaOH में तो ऑलरेडी Na+ और H+ आयन, Na+ और OH आयन अलग अलग है, तो इसको आयोनाइज करने में हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो यहां पर पहले आयोनाइज करना पड़ेगा NaOH को, एसिटिक एसिड को आयोनाइज करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। आयोनाइज होने के बाद यहां पर एक मोल H+ आयन, यहां पर एक मोल OH आयन, अब ये रिएक्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, एसिटेट आयन और Na+ आयन रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, इन दोनों की कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। आप इसको अलग अलग लिख सकते हो या यूं कह दीजिए, यहां पर मैं एरो बनाकर इसको जीरो लिख सकता हूं, क्योंकि CH3CONa लिखा हुआ है, मतलब एसिटेट आयन और Na+ आयंस ये आयंस की फॉर्म में ही रहेंगे। यहां पर यस, ये H+ और OH आयन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर, मैंने एज इट इज वाटर लिख दिया। यहां पर भी वाटर है, यहां पर भी वाटर है, अगर एक एरो बना रहा हूं तो यहां पर ये जीरो, यस, यहां पर अब हम कह सकते हैं कि H+ और OH आयन रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पर कितनी हीट इवॉल्व होगी, 13.6 किलो कैलोरी, जो मैंने पहले लिखा था 13.6 हीट किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होगी। लेकिन क्या ओवरऑल प्रोसेस में भी हीट इवॉल्व 13.6 किलो कैलोरी होगी? नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी हमने यहां पर दे दी है, तो ओवरऑल एंथैल्पी में जो चेंज होगा दैट इज 13.6 प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन, किलो कैलोरी लिख देता हूं यहां पर वापस, प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन, यानी एसिटिक एसिड को आयनाइज करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी। यस, ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, क्वेश्चन में ये डेटा भी आपको गिवन होगा। लेट्स से यहां पर आयनाइज करने में हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, 2 किलो कैलोरी, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 किलो कैलोरी, फिर जो हीट इवॉल्व होगी वो माइनस 13.6 नहीं, माइनस 11.6 किलो कैलोरी होगी। यानी वो हीट इवॉल्व जो कम हो रही है वो इसलिए कम हो रही है कि हमें उस एसिटिक एसिड को आयनाइज करना होगा, जबकि यहां पर हमने किसी को भी आयनाइज नहीं किया। HCl यहां पर भी आप इस तरह से एरो बना के लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो यहां पर भी इस तरह से जो मैंने किया है, ये वर्टिकल एरो, यहां पर HCl ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में था, क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, जीरो। NaOH ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में था, क्या एनर्जी देनी होगी? नहीं। NaCl ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में है, क्या एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं। यहां पर भी H2O लिक्विड, यहां पर भी H2O लिक्विड, यहां पर भी कोई एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए यहां पर जो एंथैल्पी चेंज है वही एंथैल्पी चेंज यहां पर भी है, लेकिन यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर दोनों ही वीक हुए, एसिड भी और बेस भी, तो यहां पर डेल्टा एच आयनाइजेशन 1 प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन 2, इस तरह की टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। दोनों के आयनाइजेशन में एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, दोनों 100% आयनाइज होंगे, अगर एक एसिड और एक बेस है तो वो 100% आयनाइज होंगे। हाँ, ऑब्वियसली उसके लिए इसका एक मोल तो इसका भी एक मोल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसका एक मोल और इसका दो मोल, दोनों ही वीक है और तो भी वो दो मोल को आयनाइज कर देगा। ऑब्वियसली, समझ रहे हो मेरी बात, राइट? एसिड और बेस होना चाहिए, वो 100% जितना है वो एसिड और बेस, जब तक लिमिटिंग जीरो नहीं हो जाता तब तक वो रिएक्ट करते रहेंगे, लेकिन जो हीट इवॉल्व होगा वो 13.6 से कम होगा, क्योंकि वीक एसिड या वीक बेस को हमें आयनाइज भी करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, इस तरह से आप एरो बना के करना चाहो एरो बना के कर सकते हो, अदरवाइज बड़ा सिंपल सा है कि पहले हमें इसे आयनाइज करना होगा, उसमें एनर्जी जाएगी, फिर H+ और OH आयन रिएक्ट करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी माइनस 13.6। ठीक है, तो यही दो केसेस बनते हैं। अब चाहो तो तीन बना लो, तीन मतलब अगर दोनों ही वीक है तो कुछ नहीं करना, डेल्टा H आयनाइजेशन 1 प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन 2। ठीक है, चलिए कुछ सिंपल से क्वेश्चंस में बता देता हूं, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बेसिक से कुछ क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। यस, लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन भी बाकी है, वो भी मैं बताऊंगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक्स से ज्यादा या एक्स से कम, स्टार्टिंग में करना था लेकिन स्किप कर गया, अभी बताऊंगा मैं आपको।
तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको बताना है एंथैल्पी में कितना चेंज होगा। आई थिंक सबको पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये डेटा आपको याद रखना है -13.6 किलो कैलोरी। ये डेटा आपको पता है, उसी को यूज करना है। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग ही है, बड़ा सिंपल सा। जिसका डेल्टा एच आयनाइजेशन नहीं दे रखा वो सब स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि अगर वो वीक है तो हमें उसका डेल्टा एच आयनाइजेशन गिवन होना चाहिए। ऑब्वियसली NH4OH का डेल्टा एच आयनाइजेशन का डेटा दे रहा हूं मैं आपको, 2 किलो कैलोरी पर मोल। ML सब में डेल्टा एच आयनाइजेशन आपको यही यूज करना है।
कुछ नहीं, बस वन मोल नहीं है आपको, एक तो मोल्स के अकॉर्डिंग यूनिट्री लगानी होगी यहाँ पर, तो वो मोल्स वाला फैक्टर देखना होगा कि कितने मोल्स है, क्योंकि 13.6 तब हीट इवॉल्व होती है जब वन मोल या वन इक्विवेलेंट बोल सकते हो मोर प्रिसाइजली, तो तब वो रिएक्ट करेगा तब हीट इतनी इवॉल्व होगी। अब यहाँ पर हमें देखना है, जैसे यहाँ पर मैं देखूँ तो इसके भी 50 मिलीमोल है, इसके भी 50 मिलीमोल है, अगर 50 मिलीमोल को आप वापस मोल में कन्वर्ट करते हो तो 50 × 10⁻³ इतने मोल्स है, पर मोल कितनी हीट इवॉल्व होती है 13.6, तो 13.6 किलो केल्विन। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, NaOH के मोल्स बढ़ा दिए, लेकिन HCl के मोल्स तो अभी भी उतनी ही है, रिएक्ट तो अभी भी 50 मिली मोल्स ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, दो इसके 100 मिली मोल्स है लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाएंगे तो 50 मिली मोल्स ही रिएक्ट करेंगे, तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी 13.6 किलो कैलोरी। हाँ, थर्ड पार्ट में इसके भी 100 मिली मोल्स, यहां पर अब हमें या तो आप इक्विवेलेंट्स वर्ड यूज करो, अगर इक्विवेलेंट्स नहीं पता है आपको तो H प्लस के मोल्स निकालो, यहां पर फिर H प्लस के मोल्स निकालो, क्योंकि H प्लस के लिए इक्विवेलेंट्स और मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, H प्लस के लिए जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोल्स भी होंगे, तो या तो आप फिर H प्लस की बात करो, अदरवाइज मैं H2SO4 की बात करूंगा, तो यहां पर 50 मिली मोल्स है लेकिन H2SO4 का एनफैक्टर 2 है, बेसिसिटी 2 है तो एनफैक्टर 2 है, तो 50 मिली मोल्स इंटू 2 एनफैक्टर करना होगा, तो 100 मिली इक्विवेलेंट्स, इसके भी 100 मिली इक्विवेलेंट्स है, तो अब दोनों के 100 मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे तो 100 × 10⁻³ 13.6 किलो कैलोरी। नेक्स्ट, 1 लीटर 1 m, इसके 1 मोल, इसके भी 1 मोल है, हाँ लेकिन अब ये एसिड जो बेस है वो वीक है, तो क्या 13.6 किलो कैलोरी हीट इवॉल्व होगी, नहीं, उसमें से 2 किलो कैलोरी हमें इसको आयनाइज करने में देनी होगी, तो यहाँ पर जो ये सब माइनस साइन के साथ है, ध्यान रखना माइनस माइनस माइनस, राइट, तो यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होगी वो माइनस 13.6 प्लस 2 यानी माइनस 11.6 किलो कैलोरी। यहां पर आते, अब यहां पर क्या किया मैंने, यहां तो बड़ा आसान था, वन मोल तो डायरेक्ट डेटा आपने यूज कर लिया, यहां पर अब वन मोल नहीं है, अब आपके यहां पर कितने मिली मोल्स है, 50 मिली मोल्स, राइट, 50 मिली मोल्स, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 13.6 को भी आप 15 मिली मोल्स पर 13.6 को भी 50 मिली मोल के लिए कन्वर्ट करो, और ये जो डेल्टा एच आयनाइजेशन है ये भी पर मोल का, तो इसको भी 50 मिली मोल के लिए निकालना पड़ेगा, दोनों डेटा को 50 मिली मोल के लिए कैलकुलेट करना होगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले ये मान लो कि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, जैसे हमने यहां पर किया था, और उसमें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, माइनस 11.6 किलो कैलोरी, ये तब है जब दोनों के 1-1 मोल है, अब राइट नाउ कितने मोल्स है, 500 मिली मोल्स है, इसके भी 500 मिली मोल्स, तो कितने 500 × 10⁻³ मोल्स, और इसका 1 मोल और इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो हीट इवॉल्व कितनी हो रही है, माइनस 11.6, तो यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 11.6, समझ में आया, पहले मैंने 1 मोल के लिए आंसर निकाल लिया और फिर जितने मिली मोल्स जितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन जो है वो आप अगेन अगर वो ट्राई करना चाहते हो तो वो भी ट्राई कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन या तो ये डायरेक्ट लिख लो, अदरवाइज ऑल्टरनेट ऑप्शन 13.6 को भी माइनस 13.6 1-1 मोल रिएक्ट करेंगे तब होगा, लेकिन 13 × 500 × 10⁻³ क्योंकि 500 मिली मोल्स ही रिएक्ट कर रहे हैं, और आयोनाइज भी आप 500 मिली मोल्स को ही कर रहे हो, आयोनाइज भी आप 500 मिली मोल्स को ही कर रहे हो, तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी कितनी, 2 किलो कैलोरी × 500 × 10⁻³ बात वही आ जाएगी, 500 × 10⁻³ कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, माइनस 11.6, आई थिंक समझ में आ गई होगी मेरी बात, देख लीजिए एक बार, हटा रहा हूँ मैं इसको,
यहां पर अब हमने इसके मिलीमोल्स बढ़ा दी, लेकिन इसके आपने 500 की जगह 1000 मिलीमोल्स यानी एक मोल कर लिया, लेकिन ये पूरे रिएक्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि इसके भी 500 मिलीमोल्स है, इसके भी 500 मिलीमोल्स ही रिएक्ट करेंगे, तो हम आयोनाइज भी 500 मिलीमोल्स को ही करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पर NH4OH के लिए, उससे कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर भी 500 इंटू 10^-3 इंटू 11.6। हाँ, यहां पर अब H2SO4 है तो इसके भी 1000, इसके भी एक तरह से मिली इक्विवेलेंट्स की मैं बात करूं तो 1 इक्विवेलेंट, इसके भी 1 इक्विवेलेंट, अब दोनों के 1-1 मोल है यहां पर, तो यहां पर हीट जो इवॉल्व होगी वो -11.6 होगा, यहां पर जो हीट इवॉल्व होगी वो -11.6 होगी। यहां पर इसके 100 मिलीमोल्स, इसके 200 मिलीमोल्स, अब दोनों ही वीक है, रिएक्ट तो केवल कितने मिलीमोल्स करेंगे, 100 और 100, राइट। फिर से कहूंगा, पहले मान लो 1 मोल रिएक्ट करता है, लेकिन ये दोनों ही वीक है, तो हीट इवॉल्व 13.6, इसको आयनाइज करने में कितनी गई +1, इसको आयनाइज करने में कितनी गई +2, इतनी हीट का भी इवॉल्व होगी जब दोनों का 1-1 मोल रिएक्ट करता। राइट नाउ यहां पर कितने मोल्स रिएक्ट करें दोनों के, इसके भी 100 और इसके भी 100, तो इंटू 100 इंटू 10^-3। तो लास्ट डेफिनेशन पर अब हम आते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। यस, ये यहां पर पहली ऐसी हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं जहां पर मैंने एनर्जी वर्ड यूज किया है। अभी तक हर जगह हमने टर्म कौन सी यूज की है, एंथैल्पी, लेकिन यहां पर हम रेजोनेंस एंथैल्पी भी बोल सकते हो, बट रेजोनेंस एंथैल्पी से ज्यादा कॉमन रेजोनेंस एनर्जी है। और यस, यहां पर मैं बता दूं, इसका मतलब 0 केल्विन से नहीं है। तो ये वर्ड यूज होता है, रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस एंथैल्पी, दोनों ही यूज होते हैं। यहां पर 0 केल्विन का मीन, जरूरी नहीं कि ये डेटा 0 केल्विन का हो, राइट। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। इट शोज द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर most stable resonating structure and resonance hybrid। most stable resonating structure and resonance hybrid, एग्जाम्पल मैं बेंजीन का ले रहा हूं, आप सबको पता है ये बेंजीन का मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो हाँ, हाइब्रिड का कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं, हमें नहीं पता हाइब्रिड के अंदर कितने सिंगल कितने डबल बॉन्ड होते हैं। तो नॉर्मली बेंजीन के केस में तो हम इस तरह से बना देते हैं कि ये क्या शो करता है, ये बेंजीन का हाइब्रिड है,
ठीक है, ये बेंजीन का मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी को कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। और आई थिंक हम सबको पता है ये हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जब ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, या इसका उल्टा हाइब्रिड अगर मोस्ट स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो डिफरेंस है इसी को कहा जाता है रेजोनेंस एनर्जी। हाँ, अब आप यहाँ पर आप कह सकते हो एक हल्का सा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है कि ये रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो तो कह रही दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है। अब आप डिफरेंस कैसे लेते हो, हाइब्रिड माइनस मोस्ट स्टेबल या मोस्ट स्टेबल माइनस हाइब्रिड, उससे साइन बदल जाएगा, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। यस, बहुत यानी बुक्स के अंदर हम देखेंगे तो ज़्यादातर बुक्स में तो रेजोनेंस एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ है, बट कुछ बुक्स ऐसी भी होती है जहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ आपको मिल जाएगी। देखिए, गलत कुछ भी नहीं है, अपना अपना तरीका है डिफाइन करने का, अपना अपना तरीका है डिफाइन करने का, क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि हाइब्रिड ही ज़्यादा स्टेबल, ये बहुत क्लियर है हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट डेटा कैसे कोई एक्सप्रेस कर रहा है वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कभी भी कोई डेटा दे रेजोनेंस एनर्जी का, आपको उसके साइन से कोई मतलब नहीं है, आपको उसके साइन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने एरो इस तरह बनाया है तो मैं आपको बता दूं जो रेजोनेंस एनर्जी होगी, यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हो तो एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे, और यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हो तो वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे। लेट्स से मैंने आपसे कह दिया कि रेजोनेंस एनर्जी है एक्स, अगर आपने एरो ऐसे बनाया है तो यहाँ माइनस एक्स लिखोगे, एरो अगर ऐसे बनाया है तो आप उसे प्लस एक्स के साथ लिखोगे। और आपको अगर कभी कोई ये पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ आंसर तो देना ही होगा, तो हम हमेशा आंसर माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, हम हमेशा आंसर माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने प्लस के साथ लिखा है वो गलत है, बट अगर हमें कहा जाएगा तो हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। लिख सकते हो चाहो तो एक लाइन, इफ आस्क टू रिप्रेजेंट रेजोनेंस एनर्जी विथ साइन देन रिप्रेजेंट इट, इफ आस्क टू रिप्रेजेंट रेजोनेंस एनर्जी विथ साइन देन रिप्रेजेंट इट विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब क्वेश्चन बेसिकली यही आता है कि ये रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करें, रेजोनेंस एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाए। तो एक थॉट माइंड में ये आता है कि पहले लेबोरेटरी में एक मोल मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर इसको इसके हाइब्रिड में कन्वर्ट कर देंगे, और हाइब्रिड में कन्वर्ट होने में जो भी एंथैल्पी में चेंज होगा वही रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? बिकॉज आप लेबोरेटरी में मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप लेबोरेटरी में जब भी बेंजीन बनाओगे बनेगा तो क्या, हाइब्रिड ही बनेगा, वो हाइब्रिड बनेगा, कभी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये हाइब्रिड ही बनेगा। तो इस तरह से तो आप नहीं कर सकते कि पहले मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बना, आपको लग रहा थोड़ा अजीब सा लेकिन ये सही है, यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर पता है लेकिन जिसका स्ट्रक्चर पता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो एग्जिस्ट करता है उसका स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, बड़ा अजीब सा है। जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका स्ट्रक्चर पता है, और जो एग्जिस्ट करता है उसका स्ट्रक्चर नहीं पता। यस, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, जो स्ट्रक्चर आपको पता है वो बेंजीन के मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होता है कि तीन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, तीन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हम गोला बना देते हैं, हमें नहीं पता होता कि कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है। तो अगर हमें बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करनी तो उसका तरीका क्या है, तो उसके दूसरे तरीके हैं, तो कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, बाय डेल्टा एच फॉर्मेशन। क्या है ये तरीका? अगर आपको बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी फाइंड आउट करनी तो पहले लेबोरेटरी में आप वन मोल बेंजीन बनाओ और उसका डेल्टा एच फॉर्मेशन फाइंड आउट करो। अब अगर आप डेल्टा एच फॉर्मेशन
फाइंड आउट करो, इसको मैं अभी गैसेस स्टेट में ले लेता हूँ, ठीक है। आपने बेंजीन बनाया लेबोरेटरी में, किससे बनाओगे? अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो 6 कार्बन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है ये, प्लस 3H2 मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स तो कार्बन ग्रेफाइट और हाइड्रोजन के 3H2। इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमें पता है, ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है, मैंने C6H6 लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली बन रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंटली बन रहा है तो ये हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। अब आपको क्या करना है, ये रिएक्शन लिखो और इसके जस्ट नीचे एरो बना के इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, और ये एक्स जो है वो आपको फाइंड आउट करना, और ये एक्स जो है वही आपकी रेजोनेंस एनर्जी। अब ये एक्स कैसे पता चलेगा वो हमें देखना है। ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ये पता है, अगर किसी तरह से ये डेल्टा एच पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ या ना? ये डेल्टा एच आप कैसे निकाल सकते हो? बहुत आसान है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। हाँ या ना? हाँ, उसमें ग्रेफाइट का सब्लिमेशन भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये आप निकाल सकते हो बॉन्ड एंथैल्पी से, एच एच बॉन्ड टूटेंगे, ग्रेफाइट का सब्लिमेशन कह दो या ग्रेफाइट का एटोमाइजेशन कह दो, वॉट एवर, वो डाटा गिवन होगा, एच एच बॉन्ड एंथैल्पी गिवन होगी। यहाँ पर जितने भी बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, ये सबका डेटा आपको गिवन होगा, उससे ये डेल्टा एच निकाल सकते हो। ये डेल्टा एच पता है, इससे आप ये एक्स निकाल सकते हो। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी के जो आएंगे वो सब इसी तरह से होंगे। ऐसा नहीं कि केवल यही एक तरीका बाय डेल्टा एच फॉर्मेशन, ऐसा नहीं। चाहे वो फॉर्मेशन हो चाहे कंबशन हो, अप्रोच यही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो C6H6 था, आप कोई और कंपाउंड ले सकते हो। लेट से मैं यहां पर ले लेता हूं 1,3-butadiene। आई थिंक फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो उसका 1,3-butadiene CH2CH तो C4H6। लेट से आपको इसका हाइड्रोजिनेशन का डेटा गिवन है। एक और तरीका होता है इसका हाइड्रोजनेशन, यानी दो डबल बॉन्ड पर हम हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, C4H10। ये रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं, इसका मतलब ये C4H6 ये क्या है, हाइब्रिड है। ये इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड मूव करता रहेगा, तो ये इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हाइब्रिड है। यहाँ पर इसे हम कहते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन हो रहा है तो इसको बोला जाता है डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन, डेल्टा एच हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रोजिनेशन। अब ये डेटा एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, ये डेटा हमें एक्सपेरिमेंटली पता है, क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको क्या करना है, फिर से ये रिएक्शन लिखो, इसके जस्ट नीचे इसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक्स आपको निकालना है। यहाँ 2H2, मैंने 2H2 फिर से लिख दिया, तो यहाँ पर कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं होगा, जीरो। क्या ये डेल्टा एच निकाला जा सकता है? यस, कैसे निकाला जा सकता है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। चेक कर लीजिए कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ HH बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर भी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड कह दो या डबल बॉन्ड टूटेगा। तो अगर आप ये बोलोगे डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसकी जगह सिंगल बॉन्ड वापस बन जाएगा, या सिंपली आप ये बोल दो कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक CH बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक CH बॉन्ड, यहाँ पर भी एक CH बॉन्ड और यहाँ पर भी एक CH बॉन्ड, यानी दो HH बॉन्ड टूटेंगे, चार CH बॉन्ड बनेंगे और दो पाई बॉन्ड भी टूटेंगे। ठीक है, ये सारे डेटा गिवन होंगे, यानी कुल मिला के आपके पास ऐसे एक रिएक्शन का डेल्टा एच होना चाहिए जिसमें या तो हाइब्रिड जो है बन रहा है या हाइब्रिड किसी और में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर हाइब्रिड बन रहा था, यहां पर हाइब्रिड कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे एक रिएक्शन का डेटा होना चाहिए, चाहे वो फॉर्मेशन हो, चाहे हाइड्रोजिनेशन हो, चाहे कंबशन हो, ऐसी किसी रिएक्शन का डेल्टा एच होना चाहिए। हर बार क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा, कोई भी जो रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन है हमेशा एरो बनाकर ही सॉल्व करोगे, और किसी तरह से नहीं करना है। रेजोनेंस एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से ही आपको करना है, जहां हाइब्रिड है उसके जस्ट नीचे उसका क्या बना दो, रेजोनेट मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
जहां हाइब्रिड है उसका मोस्ट, उसके जस्ट नीचे उसका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये एक्स जो है वो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। और अगर आपने इस तरह से एरो बनाया तो ये एक्स हमेशा नेगेटिव आएगा, यहां पर भी ये जो एक्स है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल को आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, हाइब्रिड में कन्वर्ट कर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रेजोनेंस एनर्जी। तो यहां पर आके ये सारी टर्म्स जो है वो कंप्लीट हो जाती है, डेफिनेशन जो है सारी हमने कंप्लीट की। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन लिया था, 1 मोल आयन को 1 लीटर में मिक्स किया तो हीट इवॉल्व कितनी हुई, एक्स। तो बताना था ए पार्ट में, अगर 2 मोल आयन है और 2 लीटर ले लिया तो हीट इवॉल्व कितनी होगी। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, देखो क्वांटिटी डबल हो गई, क्वांटिटी जस्ट डबल हो गई तो हीट इवॉल्व भी डबल हो जाएगी, एक्स की जगह 2x। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 लीटर उसमें 1 मोल, 1 लीटर उसमें 1 मोल, इधर से भी x, इधर से भी हीट इवॉल्व x होगी, तो टोटल कितनी हीट इवॉल्व होगी, 2x हीट इवॉल्व होगी, टोटल कितनी हीट इवॉल्व होगी, 2x। लेकिन बी पार्ट पर आते हैं, 1 मोल प्लस 2 लीटर, अब यहां पर क्या होगा, पहले 1 मोल के साथ 1 लीटर था, अब आपने 2 लीटर कर दिया तो और ज्यादा सॉल्वेशन होगा, और ज्यादा सॉल्वेशन होगा तो हीट इवॉल्व पहले से तो ज्यादा ही होगी, हीट इवॉल्व पहले से ज्यादा होगी तो क्या x की से 2x कह दें, नहीं, जो कर मैंने बनाया था उसके अंदर धीरे धीरे वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो, पहले 1 मोल आप यूं कह सकते हो, अगर 1 मोल में 1 लीटर पानी डाला है तो एक्स हीट तो वहीं से ही इवॉल्व होगी। अब आप और 1 लीटर डाल रहे हो तो आयन का सॉल्वेशन तो ऑलरेडी हो चुका है अच्छा खासा, अब जो हम और 1 लीटर डालेंगे वो आयन्स की ओर उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, वो आयंस की ओर अट्रैक्ट तो होगा लेकिन उतना अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अब जो 1 लीटर आपने और पानी डाला है उससे एक्स हीट तो और इवॉल्व नहीं होगी, थोड़ी बहुत और होगी, तो जो टोटल होगा वो एक्स से तो ज्यादा होगा लेकिन 2x से कम होगा, एक्स से तो ज्यादा लेकिन 2x से बड़ा सिंपल सा। 5 मोल पहले पानी डाला, अगर उससे जितनी हीट इवॉल्व हो रही, ऐसा नहीं कि 10 मोल डालने पर हीट इवॉल्व डबल हो जाएगी, ज्यादा होगी लेकिन डबल नहीं होगी। वाटर की क्वांटिटी डबल करने पर हीट इवॉल्व डबल नहीं होगी, धीरे धीरे, इनफैक्ट अच्छा खासा अगर सॉल्वेशन कर दोगे तो फिर तो पानी और डालने पर चेंज बहुत कम होता जाएगा। सी पार्ट, यहां मजा आता है, 2 मोल प्लस 1 लीटर। क्या कहते हो, हीट इवॉल्व 2 मोल प्लस 1 लीटर, यस एक्स से ज्यादा, बट अगेन 2x से कम, कैसे, इसको ऐसे सोचिए, यहां से रिलेट करते हैं, यहां से रिलेट करिए, 2 मोल इन 2 लीटर तो हीट कितनी इवॉल्व हुई, 2x, राइट। तो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, वॉट 1 मोल, 1 मोल 1 लीटर है, 1 मोल 1 लीटर है, यहां पर अगर मैं वाटर की क्वांटिटी को डबल कर रहा हूं, ये वाला जो केस हमने लिया था, 1 मोल तो हीट x और 2x के बीच में, ये नीचे भी लिखा हुआ है, वापस से लिख रहा हूं, राइट। अब इसको यहां से पहले देखो, 1 मोल 2 लीटर
वन मोल 2 लीटर, तो यहां पर कुछ भी आप चाहो तो एक वैल्यू इमेजिन कर लो, कुछ भी एक वैल्यू इमेजिन कर लो, 1.5x कर लेता हूं, 1.5x कर लेता हूं, एक जस्ट वैल्यू इमेजिन। अब आपने यहां पर वाटर की क्वांटिटी को हाफ किया तो क्या हीट इवॉल्व यहां हाफ हो जाएगी? जैसे वाटर की क्वांटिटी को डबल करने पर हीट इवॉल्व डबल नहीं हो रही है, वाटर की क्वांटिटी को कम करने पर हीट इवॉल्व हाफ भी नहीं होगी, उससे थोड़ी ज्यादा होगी, उससे थोड़ी ज्यादा होगी। यानी अगर ये 1.5x है तो यहां पर 0.75x है तो ज्यादा ही है, 0.75x है तो ज्यादा ही है। तो वाटर की क्वांटिटी हाफ करने पर हीट इवॉल्व हाफ नहीं होगी। उसी तरह से अब मैं कह सकता हूं यहां पर 2x है, यहां से यहां कंपेयर करो तो वाटर की क्वांटिटी को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो क्या हीट इवॉल्व, यहां ये वाला केस नहीं ले रहा हूं, ये ऊपर यहां से इसको हटा दो, यहां से यहां क्या कर रहे हो, वाटर की क्वांटिटी को आप हाफ कर रहे हो, वाटर की क्वांटिटी को हाफ करोगे तो हीट इवॉल्व हाफ नहीं होगी, उससे तो थोड़ी ज्यादा हाफ नहीं होगी, यानी एक्स नहीं होगी, उससे थोड़ी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी। तो जो लॉजिक यहां है वही लॉजिक मैं यहां दे रहा हूं, सेम लॉजिक, लॉजिक ये कि वाटर की क्वांटिटी को डबल करने पर हीट इवॉल्व डबल नहीं होगी, तो वाटर की क्वांटिटी को हाफ करने पर हीट इवॉल्व हाफ भी नहीं होगी। ठीक है, सोच लेना, बट ये आंसर है फाइनली। अच्छा, एक पॉइंट अब मैं यहां पर और बता रहा हूं आपको, शीट में भी एक दो जगह क्वेश्चन है उसके, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन बताया था, डेल्टा एच फॉर्मेशन आप लोगों को बताया था, तो यहीं पर एक क्वेश्चन आता है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस आयन। पहले तो ये बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस आयन की रिएक्शन क्या होगी, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस आयन की रिएक्शन क्या होगी, फॉर्मेशन के केस में क्या होता है, हमेशा रिएक्शन प्रोडक्ट किससे बनना चाहिए, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स भी किस में होने चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट में। तो अगर मैं ये कहता हूं कि एच प्लस आयन एक्वस का फॉर्मेशन, तो कह सकते हो आप किससे, एच टू गैस, हाँ यहां पर सॉल्वेंट, तो यहां पर वॉटर लेफ्ट यहां लिख सकते हो या वॉटर यहां पर भी लिख सकते हो, चलिए मैं इधर ही लिख देता हूं, क्या ये H+ के फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां प्रोडक्ट केवल H+ नहीं, साथ में इलेक्ट्रॉन भी है, ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी बन रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको CpCv भी पहले बताया था, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, और डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी जो है वो किसी न किसी के साथ और रिएक्ट करेगा, तो ये केवल H+ नहीं बन रहा है, H+ और इलेक्ट्रॉन है, ये डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H+ की रिएक्शन नहीं है। ये जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस नहीं, तो फिर क्या होगी एच प्लस के फॉर्मेशन की रिएक्शन? तो मैं आपको बता दूं, अगर कहीं केटाइन बन रहा है और इधर एलिमेंट सब कुछ न्यूट्रल है, तो यहां केटाइन बनेगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन या एनायन तो होंगे ही होंगे, इलेक्ट्रॉन या एनायन तो होगा ही होगा, यानी अकेला केटाइन या अकेला एनायन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, अकेला केटाइन अकेला एनायन आप न्यूट्रल एटम से न्यूट्रल मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, केटाइन के साथ एनायन या एनायन के साथ केटाइन हमेशा होगा, मतलब एक अकेला आयन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, मतलब किसी भी एक आयन के डेल्टा एच फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, एच प्लस के फॉर्मेशन की कोई रिएक्शन नहीं है। डेल्टा एच अगर मैं आपसे कह रहा हूं डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस आयन, उसकी रिएक्शन आप नहीं लिख सकते हो, तो फिर क्वेश्चन आता है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस आयन कैसे निकलेगा? ऐसे तो नहीं निकलेगा, लेबोरेटरी में नहीं निकाल सकते आप, लेबोरेटरी में नहीं निकाल सकते, तो फिर कोई दूसरा तरीका सोचते, दूसरा तरीका कैसे सोच सकते,
हाँ आप एक तरीका माइंड में आता है, जैसे HCl गैस है, इसको हम बना सकते हैं, या HCl आप कह सकते हो HCl लिक एक्वस की बात कर ले, तो HCl एक्वस किससे बना सकता हूँ, H2 प्लस Cl2 हाफ हाफ प्लस वही H2, ये हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, राइट right? और इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये कह सकते हैं। अब आपके पास HCl का डेल्टा एच फॉर्मेशन है, HCl का डेल्टा एच फॉर्मेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, HCl कन्वर्टिंग इनटू H प्लस Cl माइनस, या आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, रुको जस्ट मिनट, हटा देता हूं इसको, एच सी एल गैस ही लिखता हूं, आसान रखते हैं, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल गैस है, और यहां पर इसका फॉर्मेशन हमें पता है, पानी में अगर हम HCl डाल रहे हैं तो इसमें एंथैल्पी में चेंज कितना होगा, ये एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, पानी में अगर आप HCl डालो तो एंथैल्पी में चेंज कितना होगा वो निकाल सकते हैं, तो ये डेल्टा एच रिएक्शन हमें पता है, HCl गैस का डेल्टा एच फॉर्मेशन पता है, HCl गैस का डेल्टा एच फॉर्मेशन हमें पता है, हमें यहां पर इन दोनों का फॉर्मेशन फाइंड आउट कर, ये सॉल्वेंट है, ये रिएक्टेंट की तरह नहीं है, ये पहले भी था बाद में भी था, तो इसको ये मत सोचो कि सर इसका भी तो फॉर्मेशन यूज हो, ये तो सॉल्वेंट है, इसीलिए या तो एरो के साथ लिख दो, क्योंकि ये यहां पर कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये पहले HCl जो है कंज्यूम हो रहा है H प्लस और Cl आयन में, ये कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो इसको आप रिएक्टेंट की तरह यहां ट्रीट नहीं करोगे, ये केवल सॉल्वेंट की तरह है, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा डेल्टा एच फॉर्मेशन रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ क्या आएगा, एच प्लस आइन, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी एल आइन एंड माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल, हमें इसका डेल्टा एच फॉर्मेशन पता है, हमें इस रिएक्शन का डेल्टा एच पता है, लेकिन अगर हमें एच प्लस का डेल्टा एच फॉर्मेशन चाहिए तो हमें सी एल आइन का डेल्टा एच फॉर्मेशन पता होना चाहिए, अब प्रॉब्लम यही है कि हमें सी एल आइन एच प्लस सी एल आइन का डेल्टा एच फॉर्मेशन भी नहीं पता, अगर सी एल आइन का डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल पाते तो उस तरीके से हम एच प्लस का भी निकाल लेते, प्रॉब्लम तो यही कि किसी भी आयन का फॉर्मेशन का डेटा फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, किसी भी आयन का फॉर्मेशन की रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, तो किसी भी आयन की डेल्टा एच फॉर्मेशन, किसी भी आयन के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते, अगर सी एल आइन का निकाल सकते तो उस तरह से फिर एच प्लस का भी निकाल लेते, बट वो भी पॉसिबल नहीं, लेकिन हाँ ये चीज अगर किसी एक आयन का डेल्टा एच फॉर्मेशन पता चल जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कैसे, अगर एच प्लस का पता चल जाए तो इसे सी एल आइन का निकाल लूंगा, फिर सी एल आइन से एन ए सी एल की रिएक्शन लिख दूंगा तो एन ए प्लस का आ जाएगा, एन ए प्लस से फिर हम किसी एन ए बी आर का निकाल देंगे, ब्रोमाइड आयन से किसी और का, यानी चेन बन जाएगी, तो किसी एक आयन का अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन पता चल जाए फिर तो हम यहां से कर लेंगे, बट प्रॉब्लम यही है कि किसी एक आयन का कैसे पता चले, प्रॉब्लम तो ये किसी एक आयन का भी हम नहीं निकाल पा रहे ना, क्योंकि जिस तरह से उस आयन का निकालेंगे बाकी सभी का भी वैसे ही निकाल सकते हैं, हाँ लेकिन ये क्लियर है कि अगर एक आयन का पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन किसी भी आयन का तो नहीं निकाल सकते, तो हमने यहां पर क्या किया, H प्लस एक्वस का डेल्टा H फॉर्मेशन क्या ले लिया, जीरो, किसी और को भी ले सकते हो आप, बट हमने किसका जीरो ले लिया, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस, इसको जीरो मान लिया गया, और इससे सी एल आयन का डेटा, फिर सी एल आयन से किसी और का, इस तरह से चेन बन गई, और हमने हर एक आयन का डेल्टा एच फॉर्मेशन का डेटा निकाल लिया, लेकिन जिस दिन ये रेफरेंस बदल दोगे उस दिन ये डेल्टा एच फॉर्मेशन आयन्स के जितने भी आयन्स है सबके डेल्टा एच फॉर्मेशन के डेटा बदल जाएंगे, यस आयन्स का डेल्टा एच फॉर्मेशन का जो डेटा है वो विथ रेस्पेक्ट टू एच प्लस है, वो विथ रेस्पेक्ट टू एच प्लस है, यस ये हमने जीरो माना है, कितना है वो नहीं पता हमें, हमें नहीं पता ये कितना है, बट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच प्लस को जीरो मान लिया, जैसे अर्थ की सरफेस पर आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली उसी तरह से इसको भी जीरो,
क्योंकि कहीं पर भी ये यूज होगा तो वापस है। अगर आपने इसी इक्वेशन से सी एल आइन का निकाला है, सी एल आइन का पुट करोगे तो वापस है, कोई और डेटा निकालोगे तो आंसर तो वही आएगा, तो कोई एरर नहीं है। अगर आप इसको जीरो मान के कर रहे हो तो उसमें कोई एरर यहां पर नहीं आएगी ऐसा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पर मैंने H+ को जीरो माना, किसी और ने, हर एक आयन का डेटा फिर H+ के रेफरेंस से ही होना चाहिए। आप किसी और को जीरो नहीं मान सकते, केवल एच प्लस एक्वस को ही जीरो मान सकते। और डेल्टा एच फॉर्मेशन ही यहां पर मैं आपको बता दू, डेल्टा एच फॉर्मेशन और डेल्टा जी फॉर्मेशन ये भी जीरो है। बहुत जगह पर मैं आपको बता दूं इसके बड़े अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, बहुत जगह पर बहुत अजीबोगरीब एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, यही सही है, इसके अलावा कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है, यही सही एक्सप्लेनेशन है, इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहीं पर अब मैं एक और बात बताता हूं, एंट्रोपी ऑफ एच प्लस एक्वस, एंट्रोपी ऑफ एच प्लस एक्वस। एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, एंट्रोपी की मैं बात करूं, याद करो HCl की एंट्रोपी निकालनी तो तरीका क्या होता था, मैंने आपको बताया था HCl की अगर मुझे एंट्रोपी निकालनी है तो हम HCl गैस को पहले कहां लेके जाएंगे, जीरो केल्विन पर, जीरो केल्विन पर, और उसे वापस से उसे हीट अप करेंगे, जो भी होगा सॉलिड लिक्विड जैसे भी होगा, इसको पहले जीरो केल्विन पर लेके जाएंगे, जीरो केल्विन से वापस इसको हीट अप करेंगे, एंट्रोपी में चेंज निकालेंगे, जीरो केल्विन पर एंट्रोपी जीरो है तो जो एंट्रोपी में चेंज आया वही इसकी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हो जाएगी, जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वही इसकी एंट्रोपी हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे अब H+ एक्वस की एंट्रोपी निकालनी है तो मेरे कंटेनर में केवल H+ होना चाहिए, जैसे यहां कंटेनर में केवल क्या HCl है, कंटेनर में केवल क्या होना चाहिए, H+ होना चाहिए। क्या केवल अकेला केटाइन हो सकता है आपके कंटेनर, नहीं हो सकता, केटाइन होगा तो साथ में एनायन भी होगा, अकेला आयन नहीं हो सकता। तो फिर अगर आप जीरो केल्विन पे ले जाओगे तो केवल केटाइन नहीं होगा, साथ में कोई एनायन भी होगा, तो जो एंट्रोपी में चेंज आएगा वो केवल केटाइन का नहीं साथ में एनायन का भी होगा। तो आप किसी एक आयन का किसी एक आयन की एंट्रोपी आप ऐसे नहीं निकाल सकते, किसी एक आयन की नहीं निकाल सकते, ये तरीका यहां पर भी नहीं लगेगा क्योंकि केटाइन होगा तो साथ में एनायन भी होगा और इस तरीके से केवल एक ही सब्सटेंस होना चाहिए। तो फिर यहां पर भी दूसरा ऑप्शन क्या आता है, यहां पर भी दूसरा ऑप्शन क्या आता है, हाँ, ये HCl को आपने पानी में डाला, इस रिएक्शन का हम डेल्टा एस निकाल सकते हैं, इस रिएक्शन का डेल्टा एस निकाल सकते हैं, राइट। और इस रिएक्शन का डेल्टा एस जो है वो क्या होगा, डेल्टा एस रिएक्शन इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ एच प्लस प्रोडक्ट एंट्रोपी ऑफ Cl- माइनस माइनस एंट्रोपी ऑफ HCl। HCl की एंट्रोपी पता है, ये एंट्रोपी पता है, इस रिएक्शन का डेल्टा एस पता है, लेकिन फिर से दो अननोन, एच प्लस और Cl आयन, और प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी की भी एंट्रोपी नहीं पता। फिर से वही बोलूंगा, किसी एक आयन की अगर पता चल जाए तो बाकी सारे आयन्स की निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि किसी एक आयन की भी कैसे निकाले, किसी एक आयन की भी कैसे निकाले, तो यहां पर भी हमने H+ की एंट्रोपी को जीरो मान लिया, यहां पर भी हमने H+ की एंट्रोपी को जीरो मान लिया, और इसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे आयन्स की एंट्रोपी को निकाला। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, कुछ आयन्स की एंट्रोपी का डेटा नेगेटिव में आता है, आपने सोचा नहीं होगा बट थोड़ा सोच के देखो एंट्रोपी नेगेटिव का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ कि एंट्रोपी जीरो केल्विन पर जीरो होती है, और वो भी सबकी नहीं, जो परफेक्ट क्रिस्टल होते हैं, जो परफेक्ट नहीं होते उनकी तो पॉजिटिव होती है। और एंट्रोपी जीरो मतलब क्या है, परफेक्ट ऑर्डर, सब कुछ डिफाइंड है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। नेगेटिव एंट्रोपी का क्या मतलब है, ऑर्डर से भी ज़्यादा ऑर्डर, ये तो कुछ होता ही नहीं, ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर कुछ नहीं होता, डिसऑर्डर पिली ज्यादा कम हो सकता है, ऑर्डर तो ऑर्डर ही होता है। तो एंट्रोपी नेगेटिव, आयंस की एंट्रोपी, किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी, किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं होगी, जीरो हो सकती है वो भी केवल जीरो केल्विन पर, लेकिन इन आयंस, कुछ आयंस की एंट्रोपी नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि वो एच प्लस के रिलेटिव है। हमने एच प्लस की एंट्रोपी को जीरो मान लिया, तो अब जिन आयंस का डिसऑर्डर H+ से ज्यादा है, जिन आयंस का डिसऑर्डर H+ से ज्यादा है उनकी एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, और जिन आयंस का डिसऑर्डर H+ से कम है उनकी एंट्रोपी नेगेटिव होगी। तो वो इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वो H+ के रेस्पेक्ट में है। जैसे मैं इसको यूं पुट कर दूं,
क्या गारंटी कि इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी? नहीं, वो तो इस पर डिपेंड करता ना कि अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी या इसके ऊपर मैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहा हूं। तो आयंस की एंट्रोपी विथ रेस्पेक्ट टू एच प्लस है, इसीलिए आयंस की एंट्रोपी पॉजिटिव भी हो सकती नेगेटिव भी हो सकती। थर्मोडाइनमिक्स में एक क्वेश्चन था शीट के अंदर, O2 में आई थिंक क्वेश्चन था, उसे आप वापस से देखिए, जो मैंने ये बताया उसी पर बेस्ड था। मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो उसी पर बेस्ड है, ये याद रखना, भूल जाते हैं थोड़े दिनों के बाद, अच्छी तरह से इसको याद रखना कि किस बेसिस पर हम ऐसा कह रहे हैं, राइट। तो हाँ, H प्लस के लिए डेल्टा H फॉर्मेशन भी जीरो, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़, ये डेल्टा H फॉर्मेशन और ये H, दोनों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, राइट। तरीका इसी से है, बट डेल्टा एस और ये एस है, डेल्टा एस भी जीरो और एस भी जीरो। थैंक यू, शीट सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्लास में उसमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनके मैं डाउट्स भी आपको क्लास में बताऊंगा, यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू।